सब्सक्राइब कीजिए अरोमा के चैनल को, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, और हमारी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए जो साइड में बेल आइकन है इसको भी दबाइए। थैंक यू। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू मेक चना भटूरा। व्यूअर्स, छोले भटूरे हमारे दिल्ली की शान है, पहचान है, नॉर्थ इंडिया की हमारे छोले भटूरे बहुत ही फेमस है। तो चलिए इसे बनाते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इसके लिए हमने जो है वो ऑल पर्पज फ्लावर यानी मैदा लिया है, जो कि 1.5 कप है। 1.5 कप हमने राइस फ्लावर लिया है, और ये हमने 2 टेबल स्पून हमने सेमोलिना यानी सूजी ली है, रवा जिसे कहते हैं, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इससे काफ़ी क्रिस्पी भटूरे बनते हैं। और ये 2 टेबल स्पून भर कर हमने इसमें दही डाला है। बहुत ही अच्छे ये हलवाई की ट्रिक से हम आपको भटूरे बनाने सिखा रहे हैं, जिसे आपको फर्मेंट करने की ज़रूरत नहीं। ये इनो का पैकेट है, सैशे, या आप कहीं भी मार्केट से ले सकते हैं। और अगर आप इससे इसका डो तैयार करेंगे तो आपको ओवरनाइट इसे रखने की ज़रूरत नहीं होगी, और ये बहुत ही अच्छा फर्मेंट होगा हमारा डो। तो या तो आप इनो से आप इसका डो तैयार कर लें, या सोडा बॉटल जो आती है, प्लेन सोडा जो होता है, उससे भी गूंद सकते हैं इसका आटा। और 2 टेबल स्पून हमने रिफाइंड ऑयल लिया है। सॉल्ट हमने इसमें लिया है 1/2 टीस्पून, आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले सकते हैं। शुगर भी लिए हमने इसमें 1/2 टीस्पून। चीनी, ये भी इसको बहुत अच्छा फर्मेंट कर देती है। और 1/2 टीस्पून हमने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया है। सोडा हमने इसमें नहीं डाला क्योंकि हमने इनो पाउच डाला है, उसमें सोडा ही होता है। अब इसे ल्यूकवार्म वाटर यानी नीम गर्म पानी से हम धीरे धीरे पानी को ऐड करते हुए हम अपना आटा गूंदेंगे यानी डो तैयार करेंगे। और हमने सॉफ्ट डो तैयार करना है, बहुत ही अच्छा इसका हमें आटा गूंदना है, क्योंकि जितना अच्छा अगर इसका आटा गूंदा होगा उतने ही भटूरे आपके फ्लफी बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे। ये देखिए हमारा जो है डो तैयार हो गया। हल्का सा ऑयल हमने हाथ में लगाकर इसको ऐसे प्रेस करते हुए इसको हमने तैयार कर लिया है। और अब हम इसे कवर करके 2 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। इतने हम अपने छोले बॉईल कर लेते हैं। चना हमने ओवरनाइट भिगो दिया था, क्योंकि काबुली चना है, मार्केट से आपको मिल जाता है। ये 2 कप हमने काबुली चना लिया है, जिसे हमने ओवरनाइट भिगो दिया था। अब हम इसे बॉईल करने के लिए प्रेशर कुकर में रख देते हैं। प्रेशर कुकर में हमने अपने चने ऐड किए हैं, और इसका रंग जो है, जो आप अक्सर देखा होगा मार्केट में, ब्लैक कलर के होते हैं, डार्क कलर के, तो उसके लिए टी बैग डालते हैं। अगर आपके पास हो तो 2 टी बैग आप इसमें डाल सकते हैं, अगर ना हो तो ऐसे मुस्लिन क्लोथ यानी कॉटन का क्लोथ लेकर आप उसमें चाय की पत्ती जो होती है उसमें इसे डाल के इस तरह पोटली बना के टाइटली आप इसे बांध दीजिए, तो ये आपका टी बैग का काम करेगी। और इसमें हमने पानी ऐड कर दिया है, इतना पानी डाल दीजिए कि आपके जो छोले हैं वो डूब जाएँ। और सॉल्ट हमने इसमें ऐड कर दिया है 1 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून हमने बेकिंग सोडा ऐड किया है, और इसे हमने विसल कर लगा दी है, और 3 विसल पर हमने इसे बनाया है, और उसके बाद हमने अपनी आंच को धीमा कर दिया था। जितनी देर में हमारे छोले बॉयल होते हैं उतने हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमने 1 बिग साइज़ की अनियन यानी प्याज को फाइनली चॉप कर लिया था। और ये देखिए हमने 3 मीडियम साइज़ के टोमेटो की मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, इसकी प्योरी बना ली है। और ये चना मसाला है जो आपको मार्केट में मिल जाएगा किसी भी कंपनी का, हमने MDH का लिया है। अब एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल गरम कर लेते हैं, और इसमें प्याज को जो हमने चॉप की थी उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। सौते करेंगे इसे। जो लोग लहसुन और प्याज नहीं खाते वो चाहें तो उसमें प्याज ऐड ना करें। और ये हमने ग्रीन चिलीज़ को बीच में से काट के इसमें ऐड कर लिया है, 2-3 ग्रीन चिलीज़ हैं। और ये जो पनीर को हमने पहले से फ्राई कर लिया था स्क्वायर पीसेस में काट के, वो भी हम इसमें सौते कर लेंगे। आप चाहें तो बाद में भी डाल सकते हैं इसको, छोले बनने के बाद, ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, ऑप्शनल है ये। इसके बाद हम टोमेटो प्योरी को ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे। और इसके बाद जो हमारा चना मसाला है
वो हम इसमें 20 ग्राम ऐड करेंगे। आप चना मसाले जब लेंगे तो आप उसके पैकेट पर देख लेंगे, सारी उस पर लिखी होगी मेथड कितना मसाला इसमें ऐड करना है, कितने छोलों में। हमने 20 ग्राम मसाला इसमें ऐड किया है, सारे मसाले इसमें होते हैं लेकिन फिर भी हमने इसके ऊपर से गर्म मसाला ऐड किया था कि खुशबू और बढ़ जाती है घर के गर्म मसाले से। और इसे इतना भूनना है कि इसका जो ऑयल है वो सरफेस पर आ जाए, जो हमारा मसाला है जो ग्रेवी है वो थिक हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो ऑयल है वो सरफेस पर आ गया है और ये जो मसाला है जो हमारा तड़का है बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है। इसमें आप चाहें अलग से, ये हमने सॉल्ट इसमें हमने ऐड किया है, सॉल्ट आप टेस्ट करके देख सकते हैं, कोई हल्का खाता है सॉल्ट, कोई तेज़ खाता है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं इसके अंदर। और फीका करने के लिए आप इसमें गर्म मसाला भी ऐड कर सकते हैं घर का। और हमने साइड में ही आलू को बॉईल करके फ्राई कर लिया था, इनके पीसेस को आप अक्सर देखे होंगे छोलों में, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ये आलूओं को। आप चाहें तो बाद में भी ऐड कर सकते हैं इसको, ऑप्शनल है ये। इधर हमारे जो छोले हैं वो बॉयल हो चुके हैं व्यूवर्स, और ये कुछ ज़्यादा ही हमारे इसमें विसल जो है एक ज़्यादा लग गई, तो हमारे जो ओवर कुक्ड हो गए हमारे छोले थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। लेकिन आप ना थोड़े जल्दी इनको निकालिएगा क्योंकि थोड़े टाइट अच्छे लगते हैं इसमें छोले, तो हमारे थोड़े ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं, ये देखिए ज़्यादा बॉयल हो गए हमारे छोले। लेकिन कोई नहीं, आपका टेस्ट तो वही रहेगा। इसका पानी को ड्रेन करके हम इसके अंदर छोले ऐड कर देंगे अपने तड़का में, और जो इसका पानी है यानी जो काला पानी होता है हमारा, ये जो इसका टी बैग का कलर जो आया है, आप इसको छान कर इसमें भी ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा पानी अगर आपको रिक्वायर हो तो। छोले ऐड करने के बाद हम इसको हल्का सा 1 pinch ऑफ हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे, इसकी ग्रेवी ठीक हो जाती है। इससे देखिए हमारे जो छोला मसाला है वो रेडी टू सर्व है। ये देखिए हमारा छोला मसाला रेडी टू सर्व है। अब हम अपने भटूरे तैयार कर लेते हैं, जो कि हमने आटा लगाकर तैयार किया था इसका डो, वो 2 घंटे हो चुके हैं और हमारा सॉफ्ट जो हमारा आटा है देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है। इसको हाथों से ऐसे ही 1-2 बार और इसको मसल लेंगे, देखिए कितना अच्छा हमारा डो तैयार हुआ है। इधर हमने इसकी स्टफिंग के लिए हमने ग्रेट करके पनीर को और चॉप हमने कोरिएंडर रखा हुआ था, जो हम 2-3 आपको स्टफ भटूरे बना के भी सिखाएंगे। अब देखिए छोटा सा बॉल साइज हमने डो लिया है और इसको ऐसे हाथों से आप इस तरह जिस तरह हलवाई निकालते हैं कि इसमें कोई फोल्ड ना हो, ऐसे आप तोड़ लीजिए आटे को, ये देखिए, और इसको रोल कर लीजिए हाथों पर। इससे बहुत ही अच्छे फ्लफी भटूरे बनते हैं और हलवाई ऐसे ही करते हैं, ये बहुत अच्छी ट्रिक है। इस तरह हम अपने सारे जो पेड़े हैं लोइयां हैं वो तैयार कर लेंगी छोटे छोटे साइज में। कुछ हम आपको सिंपल भटूरे बनाएंगे और कुछ स्टफ बनाएंगे जो पनीर और कोरिएंडर भरकर इसमें बनाते हैं। ऐसे ही हम अपने सारे पेड़े तैयार कर लेते हैं और इसको हल्का सा ड्राई फ्लावर डाल के इसको हम रोल करेंगे, बेलेंगे यानी अपने रोलिंग पिन से, किसी भी शेप में कर सकते हैं। वैसे भटूरा जो होता है वो ओवल शेप में अच्छा लगता है और ज़्यादा पतला भी नहीं करते भटूरे को पूरी की तरह, बस थोड़ा सा ही हम इसे थिक रखेंगे और इसका शेप हम ओवल शेप में रख लेंगे। इधर हमने ऑयल को हमने गर्म कर लिया है, अब हम इसकी फ्लेम मीडियम करने के बाद हम इसमें गर्मा गर्म ऑयल में अपना भटूरा डालेंगे और इसे धीरे से प्रेस करते रहेंगे। इस तरह जेंटली आपको प्रेस करना है और बस हल्के से दबाते हुए आपका जो भटूरा है वो खुद ब खुद फूल जाएगा। ये देख सकते हैं आप कितना फ्लफी, कितना फूला हुआ भटूरा हमारा बना है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। और जब ये एक साइड थोड़ी सी सिक जाए तो आप इसकी साइड चेंज कर दीजिए। पफी भटूरा तैयार है हमारा और बहुत ही अच्छा फूला है। जब ये दोनों तरफ से गोल्डन हो जाए, इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करते, बस ये बहुत ही अच्छा सीख गया है। और ऐसे करके दोनों साइड करने के बाद हम एक प्लेट में टिश्यू रखकर यानी इसका ऑयल को ड्रेन करके हम इसे एक टिश्यू प्लेट में निकाल लेते हैं। कितना अच्छा भटूरा तैयार हुआ है। ऐसे ही हम दूसरा भटूरा भी अपना
अच्छा अब याद रखिए ऑयल बिल्कुल गर्म होना चाहिए भटूरे के लिए। ये देखिए ऐसे ही हमने दूसरा भटूरा डाला और जेंटली से प्रेस किया है, हल्के हल्के आप इस पर स्पीड डालिए और ये हमारा भटूरा अपने आप खुद ब खुद पूरा फूल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये भटूरा भी हमारा फूल गया है और हमने आटे को पूरा ओवरनाइट रखने की ज़रूरत भी नहीं हुई है। इंस्टेंट भटूरे बने हैं, जब आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो आप इस तरह भटूरे बना सकते हैं या सुबह बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं स्कूल के लिए। व्यूअर्स ये तो हो गए हमारे सिंपल भटूरे, अब हम स्टफ भटूरा भी देख लेते हैं कि उसके लिए हमने छोटा पेड़ा बनाया है, जैसे हम आलू का पराठा बनाते हैं उसमें हम इसे स्टफिंग इसे भरेंगे और दूसरा जो पेड़ा बेलकर हम इसके ऊपर इसको कवर करके हल्का सा बनना है उसे कवर करके हम इसको इस तरह बेलेंगे, हल्के हल्के हमें इसे बेलना है और इसको ऑयल में हम इस तरह ही फ्राई कर लेंगे। स्टफ भटूरा जो होता है उसे ज़रा ध्यान से करते हैं कि किनारों को बिल्कुल चिपकाना चाहिए। देखिए ये भी हमारा थोड़ा फूल गया है और ये हमारा स्टफ भटूरा तैयार हो गया है। ऐसे ही बाकी के भटूरे हमने फ्राई कर लिए हैं, देखिए हमने सर्व कर दिए हैं गर्मा गर्म इसे हरी मिर्च और प्याज के साथ, आप इसे थोड़ा अचार भी ऐड कर सकते हैं, इसे खाइए बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। व्यूअर्स मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर हिट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो नए मेहमान हैं सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसे बने, दुआओं में याद रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।